The girls with their nails done now. Hyundai i20 है, तो अब इसमें प्रॉब्लम है, इंजेक्टर इसका लीक कर रहा है। आपको दिखाने किस तरीके से इंजेक्टर इसका लीक कर रहा है। तो भाई गाड़ी स्टार्ट करना, इसका कवर ये हटा दे रहे, देख सकते हो कितनी बुरी तरीके से इंजेक्टर इसका लीक कर रहा है। तो अभी हम इसका इंजेक्टर खोलेंगे, आपको दिखा देंगे क्या क्या खुलता है इसमें, तो गाड़ी बंद कर देंगे फिर आपको दिखा रहे, ठीक है। इतनी बुरी तरीके से लीक कर रहा है, तो इसको हम खोलने जा रहे हैं, आपको दिखाने किस तरीके से खुलता है, ठीक है। ये इसका वापसी पाइप हो गई न्यूजल की, तो इसको हमने निकाल दिया, ठीक, ये हो गया। और इसका एक सॉकेट हो गया, ये देखिए, इसको पहले इसको खींचना होता है, फिर आपको इसका साथ में लेकर आता है, ठीक है। ये लॉक होती है इसकी, और ये इस तरीके से दब जाती है, ठीक। तो ये हो गया इसका, और यहाँ पर 17 नंबर का एक पाइप है, ये पाइप हटा देंगे पूरा हम। फिर ये 12 नंबर का वो इसका ब्रेकेट है, इसको हम खोल देंगे, ब्रेकेट खोल के फिर आगे फिर आपको दिखाने, 12 नंबर 17 नंबर का पाइप खोल देंगे और ब्रेकेट खोल देंगे, फिर आगे फिर आपको दिखा रहे हैं। खोल दिया है 12 नंबर का, ये इसका वो ब्रेकेट हमने हटा दिया है, और इतना लंबा बोल्ट लगता है, ठीक है। तो अब हम इस तरीके से इसका इंजेक्टर बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर लगा के इसको अल्टा में लगा के इस तरीके से ठोक देंगे, और इंजेक्टर इसका बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक हाथ से कुछ बनता नहीं, तो इसको हम निकाल लेंगे इंजेक्टर, फिर आपको दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक। इंजेक्टर निकाल लिया, इसका इंजेक्टर है, इसमें कार्बन आ जाता है, तो इसी वजह से ये इसका जब फच 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 की आवाज़ आने लगती है, लीक करने लगता है। तो हमको अब क्या करना है, इसको रेगमाल से बिल्कुल साफ़ करना है, एक नंबर का चमका देना है, बिल्कुल क्लीन कर देना है, इसको साफ़ कर देना है, और यहाँ का जो एरिया है बिल्कुल साफ़ करना है, अंदर का एरिया है जहाँ पर वो बाहर से लगती है, वहाँ का एरिया बिल्कुल हमको साफ़ करना है। साफ़ करके फिर आगे फिर आपको दिखा रहे हैं, ठीक, किस तरीके से इसमें बाहर से लगाना चाहिए, किस तरीके से इसको टाइट करना चाहिए, ठीक। देखिए मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया इंजेक्टर, और जहाँ पर लगता है वो भी मैंने यहाँ पर रखा, क्लीन कर लिया। ये इसके देखो बार से, इस तरीके की बार से लिख रही है इसमें, बिल्कुल बेकार। अभी हम न्यू बार से ला लेंगे इसमें, तो इसको हमने साफ़ होकर के रख लिया, और देखिए यहाँ का जो एरिया है वो बिल्कुल मैंने क्लीन कर लिया। आपको यहाँ का एरिया ज़रूर 100% क्लीन करना है, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक। यहाँ का एरिया हमने साफ़ कर लिया और बार से लगा लिया, बार से में लगाएंगे यहाँ पर ग्रीस, और फिर इसको बार से को लगाएंगे, फिर ऊपर से ग्रीस लगाएंगे, फिर इसको हम अंदर डालेंगे, फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है। ग्रीस इस तरीके से आपको ग्रीस लगानी है, ठीक है, बार्सल में लगा के इस तरीके से लगानी है, और ये जो वाला हिस्सा है वो इस साइड में रहेगा, आगे की साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से हम रख देंगे इसको, और इसको दाब देंगे, ठीक। दाबने के बाद ये बैठ गया, तो अब हम इसका लगाएंगे ये ब्रेकेट। ये ब्रेकेट कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से लगता है, ठीक है, यहाँ पर लगता है, और ये वाला बोल्ट कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से लगता है बोल्ट वाला, 12 नंबर का बोल्ट। तो ये लग गया, और इसको पाइप को लगा लेना साथ ही साथ में, ठीक है। पाइप लग गया है, आपको बताया था इसको टाइट करने के, फिर आपको बताएंगे क्या होना चाहिए। इसको टाइट करना है पहले हल्का सा, फिर हल्का ज़्यादा हल्का सा टाइट कर दो, फिर यहाँ पर चोट मार दो, हल्की सी चोट मार के नीचे के लिए चोट मार दो, फिर बाद में इसको फुल टाइट करना है, ठीक। तो ये टाइट हो गया, ये इसकी वापसी लगा दे रहे हैं, इसकी वापसी हो गई, और इसका हम पाइप टाइट कर देंगे, 17 नंबर के दोनों पाइप यहाँ से लूज करते हैं, और इसका सॉकेट लगा देंगे, ठीक है। सॉकेट लगाने के बाद जब गाड़ी स्टार्ट करें, फिर अभी आपको दिखा रहे, ठीक है। ये पहले कितनी आवाज़ आ रही थी खचपच खचपच की, अब ओके हो गया, हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी, हो गया कम्प्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 600 रुपये हमने लगा दिया है। ये इसके डेल्फी के इंजेक्टर हैं, आपको ध्यान रखना है, स्टार्ट करना है तो रेस दाब के रखना है, स्टार्ट करके रेस छोड़ना नहीं है, दाब के रखना है, तो इसका इंजेक्टर ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो एडेल्फी के ज़्यादातर ब्लॉक ही हो जाते हैं, तो ये हो गया कंप्लीट, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।